और फरवरी में गवर्नमेंट एस्पिरेंट के प्रिपरेशन के लिए एक एक्स्ट्रा दिन यहाँ सभी गवर्नमेंट एग्जाम की सुपर कोचिंग पर मिल रहा है अप टू 90% ऑफ। नहीं नहीं, फाइनल सिलेक्शन होने पर पाइए 100% ऑफ। अगर लाइफ में ना कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए तो उसकी खुशी अलग होती है, जैसे चाय के साथ एक्स्ट्रा बिस्किट, गोलगप्पे के साथ एक्स्ट्रा सूखी पूरी, आलू पराठा के साथ एक्स्ट्रा मक्खन। और फरवरी में गवर्नमेंट एस्पिरेंट के प्रिपरेशन के लिए एक एक्स्ट्रा दिन यहाँ सभी गवर्नमेंट एग्जाम की सुपर कोचिंग पर मिल रहा है अप टू 90% ऑफ। नहीं नहीं, फाइनल सिलेक्शन होने पर पाइए 100% ऑफ। हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। सो आज की क्लास में डेली की तरह हम लोग मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क यूआईआईसी एनआईसीएल एग्जाम के लिए। तो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून गौरी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइए एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल, मेरी वॉइस वगैरह प्रॉपरली आ रही है? वेरी गुड आफ्टरनून अमित, वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, सब क्लियर है ना? ओके ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून अरुण, गुड आफ्टरनून प्रदीप, राधे राधे। ओके चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे हम लोग आज की भी क्लास में। ये हमारा 6th मॉक टेस्ट है। एंड सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको बता दें कि क्लास के पीडीएफ के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, दैट इज पी एम एम टेस्ट बुक। यहाँ पर आपको क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक या फिर क्लास से रिलेटेड कोई भी अपडेट है या कोई न्यूज वगैरह आती है बर्निंग, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो अगर आपने अभी तक इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इवन अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे इस ग्रुप पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, आपको पता है एक्स्ट्रा दिन एक्स्ट्रा ऑफर सेल चल रहा है, कोई भी कोर्स अगर आप परचेस करेंगे तो आपको यहाँ पर 90% तक का ऑफ मिल जाएगा। लाइक बैंक सुपर पैक अभी आपको सिर्फ 899 रुपीज में मिल जाएगा, इसके साथ आपको पास प्रो फ्री में मिलेगा और 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन के साथ, ठीक है। यूआईआईसी एओ का बैच ये आपको सिर्फ 471 रुपीज में मिल जाएगा। एनआईसीएल एओ ये भी 471 रुपीज में मिल जाएगा। एग्जाम तक ये सभी आपके कोर्सेज वैलिड रहेंगे। एसबीआई क्लर्क 449 रुपीज में मिलेगा। आईबीपीएस पीओ 629 रुपीज में मिलेगा। तो कोई भी कोर्स अगर आप परचेस करते हैं तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको परचेस करना है तो आप मेरा कोड यूज कर लीजिएगा, दैट इज प्रियटी। तो अलग अलग एग्जाम के कोर्स को परचेस करने से बेटर है कि आप बैंक सुपर पैक परचेस कर लीजिए, 899 रुपीज में आपको मिल जाएगा, पास प्रो भी फ्री में मिल जाएगा, 6 मंथ उसकी वैलिडिटी रहेगी और जितने भी बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम होते हैं, है ना, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो उसके लिए सिंपली आपको मेरा कोड यूज करना है, दैट इज प्रिया टी। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं फटाफट से हमारी क्वेश्चन आंसर सेशन पर। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। हु वॉज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ द आईसीसी मीन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर? आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से किसे सम्मानित किया गया? पैट कमिंस, विराट कोहली, शुभमन गिल, ट्रेविस हेड, रोहित शर्मा। आंसर बताइए जल्दी से इसका क्या होगा। ओके, सो अलग अलग आंसर आ रहा है, आप लोगों ने बहुत सारे आंसर्स यहाँ पर बताए हैं। पैट कमिंस भी बताया, विराट कोहली भी बताया, ट्रेविस हेड भी बताया, और भी कोई नाम आएगा? तीन तो आप लोगों ने ऑलरेडी बता दिया। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विराट कोहली, है ना, विराट कोहली इज द राइट आंसर। सो वेरी वेल डन अमित ठाकुर, अमित ठाकुर ने करेक्ट आंसर बताया है, एआर एंटरटेनमेंट ने करेक्ट आंसर बताया है, गौरी ने भी करेक्ट आंसर बताया है। ओके वेरी वेल डन, सो विराट कोहली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लीस्ट करप्ट अकॉर्डिंग टू द 2023 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जनवरी मंथ का ही है ये। 2023 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे कम भ्रष्ट देश है? डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, स्वीडन, लीबिया। इसका आंसर क्या होगा? हाँ वेरी वेल डन, डेनमार्क इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेनमार्क। इंडिया की रैंक कितनी है, इंडिया की रैंक बताइए। वॉट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल डेवलप्ड बाई डॉक्टर नित्या आनंद? डॉक्टर नित्या आनंद द्वारा विकसित भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके वेरी वेल डन प्रदीप, अमित, वेरी गुड।
इसका आंसर बताइए क्या होगा। डॉक्टर नित्या आनंद द्वारा डेवलप की गई भारत की जो पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली है उसका नाम क्या है। ओके वेरी वेल डन, सहेली इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सहेली। नेक्स्ट वन इज, इन जनवरी 2024 हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। मैंने क्लास में भी बताया था, फिर से बता रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में ये आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ठीक है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अमिताभ कांत, राजीव कुमार, अरविंद सुब्रमण्यम, अरविंद पंगारिया, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा। ओके वेरी गुड, डॉक्टर अरविंद बंगारिया इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर अरविंद बंगारिया। नेक्स्ट वन इज, व्हाट डज LSAM स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड एमिनेशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बार्ग LSAM-19। आपको बताना है कि हाल ही में लॉन्च किए गए एमिनेशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बार्ज LSAM-19 के संदर्भ में LSAM का फुल फॉर्म क्या है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लॉन्चिंग सिस्टम फॉर एमिनेशन एंड मिसाइल, है ना। सो गोला बारूद और मिसाइलों के लिए लॉन्चिंग सिस्टम, सो इट इज अ लॉन्चिंग सिस्टम फॉर एमिनेशन एंड मिसाइल। नेक्स्ट वन इज, विच टेररिस्ट ग्रुप कैप्चर्ड अ यूनाइटेड नेशन हेलीकॉप्टर इन सोमालिया रिसेंटली। हाल ही में सोमालिया में किस आतंकवादी समूह ने संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया। बोको हरम, अल शबाब, अलकायदा, ISIS, हुती। इसका आंसर क्या होगा। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके वेरी वेल देन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अलशबाब, है ना। अलशबाब इज द राइट आंसर। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि सोमालिया में अलशबाब आतंकवादी समूह ने संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द थीम ऑफ द G77 थर्ड साउथ समिट इन कंपाला युगांडा। आपको बताना है कि कंपाला युगांडा में G77 तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन का थीम क्या था। बताया था मैंने ये आप लोगों को क्लास में, G77 का थीम क्या है। अल शराब, शराब कहां से मिल रही है बेटा आपको, बताइए आंसर इसका क्या होगा। ओके, लीविंग नो वन बिहाइंड। और मैंने उस टाइम आपको बताया भी था कि हमारा जो लास्ट ईयर का बजट था, है ना, सप्तऋषि, उसमें एक फोकस ये भी था, लीविंग नो वन बिहाइंड, कि कोई भी पीछे ना रह जाए। तो ये मैंने क्लास में ही आपको याद कराया था। तो लीविंग नो वन बिहाइंड ये इसका क्या था, थीम था G77 का। अगर आपको याद हो तो क्लास में मैंने ये बताया था कि लास्ट ईयर के हमारे बजट में जो 7 गोल थे सप्तऋषि, उसमें से एक ये भी था, याद आया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच सिटी इज सेट टू होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंडिया एनर्जी वीक इन 2024। कौन सा शहर 2024 में प्रतिष्ठित भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है। न्यू दिल्ली, मुंबई, गोवा, बेंगलुरु, चेन्नई। गुड आफ्टरनून गौरी, अभी स्टार्टिंग में बोला तो था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन सा शहर 2024 में प्रतिष्ठित भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है। ओके, गोवा इज द राइट आंसर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोवा। वेरी वेल डन गौरी, अंजलि, अमित, हरी। ओके, हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज द चेयरपर्सन ऑफ द फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, दैट इज फेथ, है ना। फेथ का फुल फॉर्म क्या है, फेथ का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। आपको बताना है इसके चेयरपर्सन कौन बने हैं, इसके चेयरपर्सन कौन बने हैं, जल्दी बताइए। ओके, पुनीत छतवाल इज द राइट आंसर। ओके, वेरी वेल डन गौरी, वेरी वेल डन दीप, वेरी वेल डन अमित, हरी। सो पुनीत छतवाल इज द राइट आंसर। विच कंपनी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड एज द टाइटल स्पॉन्सर फॉर द IPL फ्रॉम 24 to 28। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाल ही में किस कंपनी ने 2024 से 2028 तक इंडियन प्रीमियर लीग के लिए शीर्षक प्रायोजक की घोषणा की है। DLF, MRF, टाटा ग्रुप, बाइजूस, ड्रीम इलेवन।
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? JLF, MRF, टाटा ग्रुप, बायजूस, ड्रीम इलेवन। ओके, टाटा ग्रुप इज द राइट आंसर, है ना। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, टाटा ग्रुप विल बी द राइट आंसर। ये आंसर सबने सही बताया है। वेरी वेल डन अमित, गौरव, प्रदीप, ए आर एंटरटेनमेंट, अविनाश, दीप, अंजलि, गौरी, हरी, आशीष, करण। वेरी वेल डन, करण ने सही नहीं बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अनवील्ड द फर्स्ट इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड दृष्टि 10 स्टार लाइनर अनमैंड एरियल व्हीकल। पहले स्वदेश निर्मित दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किसने किया? मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डॉक्टर श्रीधर बाबू, इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल अजय सूरी, जीत अडानी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अडानी इंटरप्राइजेस, वाइस एडमिरल पंकज सिंह। इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा सा सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए, ये डे बाय डे जो जनसंख्या कम होती जा रही है, थोड़ा इसको इंक्रीज करिए, सेशन को शेयर करिए। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार, है ना। सो आर हरि कुमार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, विच इंडियन पीएसयू साइंड अ 10 ईयर एलएनजी सप्लाई एग्रीमेंट विथ यूएई एडीएनओसी गैस। किस भारतीय पीएसयू ने, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने, संयुक्त अरब अमीरात के एडीएनओसी गैस के साथ 10 वर्षीय एलएनजी आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया? हाँ, सीबीआई ने दिल तोड़ दिया। अब सीबीआई ने दिल तोड़ दिया तो आगे और कोई एग्जाम तो देना नहीं है। जिंदगी का पहला और आखिरी मकसद था सीबीआई, उसके अलावा तो कोई एग्जाम है नहीं। और जब अगर थोड़े दिन बाद ऑल ऑफ सडन नोटिफिकेशन आ गया, फिर से रिवाइज्ड नोटिफिकेशन, तो रोना बैठ के कि तो मेरा तो दिल टूट गया था। ब्रेकअप एंजॉय कर रहे थे हम अपना, है ना, बैठ के आंसू बहा रहे थे, देवदास बने हुए थे। पढ़ लो बेटा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ओके, गेल इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गेल। नेक्स्ट वन इज, हु हैज वन द री इलेक्शन इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गोस प्रेसिडेंशियल रेस हेल्ड ऑन दिसंबर 2023। इसका आंसर क्या होगा? 20 दिसंबर 2023 को आयोजित डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की राष्ट्रपति पद की दौड़ में फिर से चुनाव किसने जीता? सिंपल सा क्वेश्चन है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? आंसर, हाँ, तो एमटीएस की प्रिपरेशन करिए, उसका एग्जाम दीजिए, है ना। एग्जाम तो बहुत सारे होने हैं, ऐसा तो है नहीं कि जो आप पढ़ रहे हैं वेस्ट हो जाएगा और किसी एग्जाम में यूज नहीं होगा। ऑलमोस्ट सभी एग्जाम के सिलेबस सेम होते हैं, है ना, तो आपकी प्रिपरेशन कहीं वेस्ट नहीं होने वाली है, कहीं और यूटिलाइज होगा, तो प्रिपरेशन तो कंटिन्यू रखना पड़ेगा ना। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा? वेरी गुड, फेलिक्स शिप्सकेदी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इन जनवरी 2024। जनवरी 2024 में पंजाब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जगबंस सिंह पवार, जमीत कौर तेजी, जसप्रीत सिंह, जतिंदर सिंह औलख, जगजीत सिंह। इसका आंसर ओके, जतिंदर सिंह औलख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, विच स्मार्ट सिटी इन इंडिया इज डेवलपिंग अ ग्रीन कॉरिडोर सिस्टम फॉर टाइमली ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन। भारत का कौन सा स्मार्ट शहर समय पर अंगदान और प्रत्यारोपण के लिए ग्रीन कॉरिडोर प्रणाली विकसित कर रहा है? इंदौर मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात, भुवनेश्वर ओडिशा, रायपुर छत्तीसगढ़, मुंबई महाराष्ट्र। इसका आंसर क्या होगा? विच स्मार्ट सिटी इन इंडिया इज डेवलपिंग अ ग्रीन कॉरिडोर सिस्टम फॉर टाइमली ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन। ओके, रायपुर छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। वेरी वेल डन गौरी। फ्रीक होकर क्या लिखा है? ये कौन सा स्टडी है? फ्री फ्री खोखर स्टडी। ओके, ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु वॉज नेम्ड एट द नेम्ड एज द आईसीसी T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2023। 2023 के लिए आईसीसी T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया? इसका आंसर क्या होगा? 2023 के लिए आईसीसी T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया?
ओके, सूर्य कुमार यादव इज द राइट आंसर, है ना? वेरी वेल डन प्रशांत, सूर्य कुमार यादव. नेक्स्ट वन इज हु हैज रिसेंटली सरपास्ड गौतम अडानी टू बिकम एशियाज रिचेस्ट पर्सन विथ अ नेट वर्थ क्रॉसिंग 100 बिलियन डॉलर मार्क इन जनवरी 2024. सो हाल ही में जनवरी 2024 में 100 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार करने के साथ गौतम अडानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं, ये तो पता होगा. दो ही लोगों में कंपटीशन चलता है. हाँ एग्जैक्टली, मुकेश अंबानी, है ना? मुकेश अंबानी इज द राइट आंसर. मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जी, इन्हीं दो लोगों में कंपटीशन चलता है, कभी वो आगे कभी वो आगे. तो अगर यहाँ पर गौतम अडानी जी पीछे हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है आगे कौन होगा, मुकेश अंबानी जी. बस इन्हीं दो लोगों में कॉम्पिटिशन चलता रहता है. हु इज सेट टू रिसीव असम हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव. असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव किसे मिलने वाला है? रतन टाटा, रंजन गोगोई, हीमा दास, एल के आडवाणी, मोहन भागवत. इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर, ओके वेरी वेल डन, रंजन गोगोई जी इज दी राइट आंसर. अच्छा, हीमा दास को भी तो कोई अवार्ड मिल रहा है. हीमा दास जी को कौन सा अवार्ड मिल रहा है? असम का कोई और अवार्ड है ना जो हीमा दास जी को भी मिल रहा है, इन्हीं के साथ इनका भी नाम अनाउंस किया गया था. बताइए हीमा दास जी को कौन सा अवार्ड मिल रहा है? इनको असम वैभव मिल रहा है उनको. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. असम सौरभ अवार्ड. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस बिकमिंग द यंगेस्ट ऑफिशियल टू होल्ड द पोजीशन. ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और वो इस पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी बन गए हैं? आंसर बताइए क्या होगा. ओके वेरी वेल डन, गैब्रियल अटल इज द राइट आंसर. इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है. सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गैब्रियल अटल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द ओवर आर्किंग स्कीम पृथ्वी विज्ञान. आपको बताना है कि किस मंत्रालय ने पृथ्वी विज्ञान शुरू किया है. बताइए इसका आंसर क्या होगा. ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, है ना? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. बहुत इजी है, पृथ्वी लिखा हुआ है, पृथ्वी का मतलब अर्थ, है ना? तो मिनिस्ट्री कौन सी होगी? अर्थ साइंसेस होगी. पृथ्वी विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान हिंदी में पृथ्वी विज्ञान है, इंग्लिश में क्या होगा? अर्थ साइंस होगा. तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस आप बहुत इजिली इसको याद कर सकते हैं. क्वेश्चन में ये आंसर छिपा हुआ था. विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज स्टॉप्ड इन इफेक्टिवली एक्सटेंडिंग बेनिफिट ऑफ एड सेंट्रल स्कीम अंडर द स्वनिधि भी स्वनिधि से समृद्धि योजना. स्वनिधि से समृद्धि योजना के तहत 8 केंद्रीय योजनाओं को प्रभावी ढंग से लाभ पहुंचाने में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका आंसर क्या होगा? आंसर, ओके वेरी वेल डन, इसका करेक्ट आंसर है यूपी, है ना? उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर. वेरी वेल डन गौरी. टू इन्फोर्स लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेनी एजेंसीज, SFIU इज वन ऑफ देम, एक्सपैंड इट. अगर हम बात करें कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए भारत सरकार के पास बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, उनमें से एक है SFIO. आपको बताना है SFIO का फुल सॉरी फुल फॉर्म क्या है. वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ SFIO? ओके, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, है ना? गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय. तो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस इसका फुल फॉर्म है. नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 विल बी हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस. वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? मुंबई, न्यू दिल्ली, पुणे, लखनऊ, नागपुर. मुंबई, न्यू दिल्ली, पुणे, लखनऊ, नागपुर. ओके, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यू दिल्ली. रिसेंटली रितिका हुजा हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू बिकेम अंडर 23 वीमेन वर्ल्ड चैंपियन. सी रिप्रेजेंट इंडिया इन विच स्पोर्ट. हाल ही में रितिका हुजा अंडर 23 महिला विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं. वह किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? जैवलिन थ्रो, शूटिंग, डिस्कस थ्रो, रेसलिंग, स्विमिंग. इसका आंसर क्या होगा?
ओके, रेशलिंग इज द राइट आंसर. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेशलिंग. सो वेरी वेल डन प्रशांत. एंड बस प्रशांत ने करेक्ट आंसर बताया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज डिलीवर्ड आकाशवाणी प्रेस्टिजियस एनुअल सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर. आकाशवाणी का प्रतिष्ठित वार्षिक सरदार पटेल मेमोरियल व्याख्यान किसने दिया? अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह. इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सो इसका करेक्ट आंसर होगा रामनाथ कोविंद, है ना? ये भी क्लास में मैंने पढ़ाया था, रामनाथ कोविंद इज द राइट आंसर, और किसी ने भी नहीं बताया. चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. कोटिक बैंक गेट्स आरबीआई नोट फॉर एक्विजिशन ऑफ माइक्रो लेंडर सोनाटा फाइनेंस फॉर हाउ मच करोड़ रुपीज? कोटिक बैंक को कितने करोड़ रुपए में माइक्रो लेंडर सोनाटा फाइनेंस के अधिग्रहण के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है? इसका आंसर क्या होगा? ओके, 537. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा 537. द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च विद द थुनिन इंस्टीट्यूट हैड ऑर्गेनाइज्ड एन इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट प्रिवेंशन. द इंस्टीट्यूट इज ऑफ विच कंट्री? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने थुनिन संस्थान के साथ मिलकर खाद्य हानि और अपशिष्ट रोकथाम पर एक अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था. यह संस्थान किस देश का है? रसिया, बेलारूस, जर्मनी, पोलैंड, ब्राजील. इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, जर्मनी इज द राइट आंसर. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जर्मनी. नेक्स्ट वन इज भारतीय ग्रुप एंटर्ड इनटू अ बाइंडिंग एग्रीमेंट विद इट्स ज्वाइंट वेंचर पार्टनर एक्सा टू एक्वायर हाउ मच परसेंट ऑफ इट्स स्टेक इन भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस. भारतीय ग्रुप ने भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस में अपनी हिस्सेदारी का कितना प्रतिशत अधिग्रहण करने के लिए अपने संयुक्त उद्यम भागीदार एक्सा के साथ एक बाध्यकारी समझौता किया? ओके, वेरी वेल डन, 49% इज द राइट आंसर. इसका आंसर ऑलमोस्ट सबने सही बताया है, वेरी गुड. सो अविनाश, गौरव, गौरी, हरी, आशीष, प्रतीक, प्रदीप. ओके, वेरी वेल डन. हु एमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड दी चेवेलियर डांस आई ऑर्डर दिस आर्ट एट दिस लेटर्स अवार्ड फ्रॉम द काउंसिल जनरल ऑफ फ्रांस इन अक्टूबर 2023? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऋचा चड्ढा इज द राइट आंसर. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऋचा चड्ढा. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियाज मनी मार्केट. इनमें से कौन सा इंडिया के मनी मार्केट का पार्ट नहीं है? बिल मार्केट, कॉल मनी मार्केट, बैंक, म्यूचुअल फंड, इंडियन गोल्ड काउंसिल. इनमें से कौन सा मनी मार्केट का पार्ट नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडियन गोल्ड काउंसिल. बेटा कॉल मनी मार्केट आपका मनी मार्केट का पार्ट नहीं है, लिखा हुआ है कॉल मनी मार्केट और आप बता रहे हैं कि कॉल मनी मार्केट ही मनी मार्केट का पार्ट नहीं है. कैसे? कॉल मनी मार्केट में मैंने आपको बताया था ना, तीन टाइप होता है, एक होता है कॉल मनी, एक होता है नोटिस मनी और एक होता है टर्म मनी, है ना? यही तीनों तो होता है, जहां पर एक बैंक दूसरे बैंक से क्या करता है, लोन लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉल मनी मार्केट बोलते हैं. तो आपने वही बता दिया, जो उसका मेन पार्ट है उसी को बता दिया, वो मनी मार्केट का पार्ट नहीं है. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. हु हैड रिकग ऑर्गेनाइज्ड द इंडिया एयू कोलेबरेशन फॉरम? वॉइस आ रही है मेरी? मेरी वॉइस आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है? इसके पहले आ रही थी? इसके पहले आ रही थी? चलिए ठीक है. हु हैज ऑर्गेनाइज द इंडिया एयू कोलेब्रेशन फॉर अ बेटर इंक्लूसिव वर्ल्ड वर्कशॉप?
इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है नीति आयोग, जो आप लोगों ने पहले ही बता दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द नोबेल सुरीली आवाज आ रही है, ठीक है, अभी गाना सुनाते हैं आपको, है ना। मैं ये पोल वाला प्लान कर रही हूँ, है ना, एक मेंटी क्विज होता है, मैं ट्राई कर रही हूँ, अगर हो पाया तो पोल के थ्रू कराएंगे बहुत जल्द, बट अभी बहुत जल्द को बहुत ही ज्यादा जल्द मत समझिएगा, अभी मैं उस पर थोड़ा प्लानिंग वगैरह कर रही हूँ, अगर पॉसिबल हो पाया तो पोल के थ्रू कराएंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। नोबेल पीस प्राइज 2023 विनर नरगिस मोहम्मदी जी, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, वेरी वेल डन, इसका करेक्ट आंसर है ईरान, है ना, ईरान इज द राइट आंसर। सीएसटी एकेडमी अ स्पेशल पर्पस व्हीकल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड अ ज्वाइंट इनिशिएटिव टू इम्प्रूव डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग द वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, पर्टिकुलरली एससी एसटी बीपीएल एंड विमेन। आपको बताना है कि सीएससी एकेडमी, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक विशेष प्रयोजन वाहन है, कि निम्नलिखित में से किसने, है ना, और निम्नलिखित में से किसने समाज के कमजोर और वंचित वर्ग, विशेष रूप से एससी एसटी बीपीएल और महिलाओं के बीच डिजिटल और वित्तीय साक्षरता में सुधार के लिए एक संयुक्त पहल शुरू किया है? इसका आंसर क्या होगा। ओके, इसका करेक्ट आंसर है पेयू इंडिया। वेरी वेल डन गौरी, पेयू इंडिया इज द राइट आंसर। ये जो पेटीएम बैन हुआ है ना, पेटीएम पेमेंट बैंक पर जो बैन लगा हुआ है, इसको मैंने क्लास में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ाया हुआ था, बट मैंने इसका शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, अगर आप लोगों ने क्लास में नहीं देखा था तो मैंने जो शॉर्ट बनाया हुआ है उसको आप देख लीजिएगा, तो जो भी डाउट है पेटीएम को लेके, पेटीएम पेमेंट बैंक को लेके, वो डाउट क्लियर हो जाएगा, तो शॉर्ट को देख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंसिडर दी फॉलोइंग रिगार्डिंग दी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, दैट इज अपार, है ना, अपार, ठीक है। अपार डब्ड वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी इज एन एजुकेशन इकोसिस्टम रजिस्ट्री और एन ईडीओ लॉकर। इट असाइंस अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर टू एवरी स्टूडेंट रेंजिंग फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर एजुकेशन। दिस विल बी लिंक्ड टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आधार आईडी एंड दैट एवरी इंडियन हैज, है ना, विच ऑफ दी एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट हियर, कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओनली वन एंड टू, जय माता दी ऑल हर जगह नहीं चलता है ना। लास्ट वाला क्या था, दिस विल बी लिंक्ड टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आधार आईडी दैट एवरी इंडिविजुअल हैज, सबके लिए नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, है ना, तो जय माता दी ऑल ऐसे कर देंगे, हर जगह जय माता दी काम नहीं आएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एन एनआरआई कैन ओपन विच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट इन इंडिया, एनआरआई कितने टाइप के बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं इंडिया में, एनआरई एनआरओ सेविंग बोथ वन एंड टू नन ऑफ द अबव, इसका आंसर क्या होगा। हाँ एग्जैक्टली, बोथ एनआरई एंड एनआरओ, है ना, और एक एफडी भी होता है जिसको हम एफसीएनआर बोलते हैं, ये जो एफसीएनआर है ये एफडी होता है एनआरआई के लिए, एफडी अकाउंट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर ऑन द चेक इज नॉट जेन्युइन, द चेक इज कॉल्ड म्यूटिलेटेड, फोर्स्ड, स्टेल, क्रॉस्ड, नन ऑफ द अबव, इसका आंसर क्या होगा। चेक पर आरिता का हस्ताक्षर अगर असली नहीं है तो ऐसे चेक को हम क्या बोलेंगे, चेक पर रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, इफ द सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर ऑन द चेक इज नॉट जेन्युइन तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जाली चेक, ऑब्वियस सी बात है ये फोर्स्ड चेक होगा। म्यूटिलेटेड चेक क्या होता है, जो कटे फिटे पुराने चेक होते हैं, गंदे चेक होते हैं, है ना। स्टेल चेक क्या होता है, जिसमें ड्यूरेशन एक्सटेंड कर गया है। क्रॉस्ड चेक क्या होता है, जो हमारा चेक होता है जिसमें यहाँ पर ऐसे दो क्रॉस लाइन बनी होती है, जो ओपन चेक नहीं होता है उसको हम क्रॉस्ड चेक बोलते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एज योर आंसर, ठीक है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव द लास्ट माइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्लान फॉर 6.4 लाख विलेजेस अक्रॉस इंडिया अंडर द भारत नेट प्रोजेक्ट। द आउटले ऑफ द प्रोजेक्ट इज रुपीज 1.39 लाख करोड़। द लास्ट माइल कनेक्टिविटी विल बी प्रोवाइडेड बाई जियो फाइबर इन पार्टनरशिप विथ विलेज लेवल एंटरप्रेनर, इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ ऑब्वियसली साइन मैच नहीं करेगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा, है ना।
ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओनली सी, है ना। ओनली सी विल बी द राइट आंसर। आपको इनकरेक्ट बताना था इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द पेमेंट फ्रॉम द जनरल प्रोविडेंट फंड टू ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफर्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज आर ट्रू। ठीक है प्रशांत, इसको मैं क्लास में डिटेल में पढ़ाऊंगी जब टाइप्स ऑफ चेक, तब आप वहां पर देख लीजिएगा, क्योंकि ओपन चेक क्रॉस चेक को पढ़ाने के लिए भी चौक क्या है, चेक के जो अलग अलग टाइप्स है ना, फिर वो भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो अभी टाइम नहीं है। मैं शॉर्ट में किसी दिन क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी, या फिर जो फाउंडेशन बैच है उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है, वहां पर डिटेल में समझेंगे। मैं शॉर्ट में बता दूंगी, किसी दिन टाइम रहेगा तो मैं शॉर्ट में बता दूंगी। चलिए अपॉन रिटायरमेंट जीपीएफ सब्सक्राइबर्स आर एलिजिबल टू रिसीव द फुल अमाउंट इन देयर अकाउंट। द जीपीएफ बैलेंस इंक्लूड द सब्सक्राइबर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन एंड अकुमुलेटेड इंटरेस्ट। अ जीपीएफ सब्सक्राइबर कैन रिमेन अ मेंबर इवन आफ्टर रिटायरमेंट। सब्सक्राइबर कैन विदड्रॉ द फुल जीपीएफ अमाउंट 1 ईयर प्रियोर टू द रिटायरमेंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, नन ऑफ द अबव। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट बताना है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सो अपॉन रिटायरमेंट जो जनरल प्रोविडेंट फंड है जीपीएफ, है ना, जीपीएफ सब्सक्राइबर्स आर एलिजिबल टू रिसीव द फुल अमाउंट इन देयर अकाउंट। ठीक है चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट हाइपोथिकेशन। आपको बताना है हाइपोथिकेशन के टर्म में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, दृष्टिबंधक जिसको हम बोलते हैं। विदाउट गिविंग अप ओनरशिप राइट एसेट इज प्लेस्ड एज कोलेटरल टू सिक्योर अ लोन बाय अ डेटर, मतलब मालिकाना हक दिए बिना ऋणी द्वारा ऋण को सुरक्षित के लिए संपार्श्विक के रूप में संपत्ति गिरवी रखी जाती है ना। इट इंक्लूड्स मोबाइल एसेट, इसमें चल संपत्ति शामिल है। गोल्ड ज्वेलरी लोन इज अ टाइप ऑफ हाइपोथिकेशन, सोना आभूषण ऋण ये दृष्टिबंधक का एक प्रकार है। इट इज डिफाइंड अंडर सरफेसी एक्ट 2002 एंड ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा, आंसर हाइपोथिकेशन इट्स अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी, है ना, ये एक तरीके की सिक्योरिटी है। ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा गोल्ड ज्वेलरी लोन इज अ टाइप ऑफ हाइपोथिकेशन, है ना। ये जो गोल्ड हो गया, गोल्ड और ज्वेलरी ये हाइपोथिकेशन है। हाइपोथिकेशन का मतलब क्या होता है, ये मूवेबल गुड्स होता है ना, ये मूवेबल गुड्स होता है, मतलब जो भी आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है वो होगा इसमें, बट जो ओनरशिप है वो किसके पास होगा, वो बैंक के पास होगा। जैसे आपने लोन लिया, है ना, आपने लोन लिया और जाकर बैंक में आपने गोल्ड ज्वेलरी ही डिपॉजिट कर दिया, तो इसका पोजिशिप किसके पास है, बैंक के पास है, है ना। तो वो मोबाइल प्रॉपर्टी जिसका पोजिशिप बैंक के पास होता है उसको हम हाइपोथिकेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट वन इज आर ई आर एंड एन ई आर, रियर एंड नियर ऑफ डोमेस्टिक करेंसी आर कैलकुलेटेड विद द करेंसीज ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री। ट्रेड पार्टनर कंट्रीज, एनिमी कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा, ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रेड पार्टनर कंट्रीज, है ना, ट्रेड पार्टनर कंट्रीज इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ बैंकिंग दैट फोकसेस मेनली ऑन द इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट। निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग का एक प्रकार है जो मुख्य रूप से संस्थागत ग्राहकों पर केंद्रित है। होलसेल बैंकिंग, ऑफशोर बैंकिंग, ब्रिक एंड मॉर्टर बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा बैंकिंग का एक टाइप है जो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट पर मेनली फोकस करता है। ओके, होलसेल बैंकिंग, है ना। होलसेल बैंकिंग का मतलब क्या होता है, जहां पर लार्ज, मतलब जो अमाउंट होता है वो बल्क में होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पर होता है, जहां पर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट को क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। जैसे हम लोग जो बैंकिंग करते हैं वो रिटेल बैंकिंग कहलाता है, खुदरा बैंकिंग जिसको हम बोलते हैं ना, तो हम लोग जो बैंकिंग करते हैं वो रिटेल बैंकिंग होता है। बट जिनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी होता है, लाइक कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई कंपनी हो गई, या फिर अंबानी जी लोग हो गए जो लार्ज अमाउंट का ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वो जो बैंकिंग करते हैं उसको होलसेल बैंकिंग बोला जाता है। ठीक है, थोक में, थोक बैंकिंग होता है ये। वॉट इज द नेम ऑफ द इंडियाज नेवी थर्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर विच इज कमीशन इन टू मुंबई। भारत की नौसेना के तीसरे निर्देशित मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है जिसे मुंबई में चालू किया गया। भारत की नौसेना के तीसरे निर्देशित मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है। ओके, आईएनएस इम्फाल, और ये एग्जाम में भी आया था, आई थिंक एसबीआई पीओ में आया था, आईएनएस इम्फाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था।
15th ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 पब्लिश्ड बाय मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टॉप 5 कंट्रीज इन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में आपको टॉप 5 कंट्रीज का सीक्वेंस सेलेक्ट करना है। डेनमार्क, आइसलैंड, नीदरलैंड, इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, कौन फर्स्ट पर है, देन सेकेंड पर, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसका सीक्वेंस आपको यहाँ पर बनाना है। बताइए कौन सा आंसर होगा सही। सीक्वेंस बनाकर आंसर बताना है। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3, 2, 1, 4, 5। सो नीदरलैंड फर्स्ट पर हो गया है ना, सेकंड पर कौन हो गया, आइसलैंड हो गया, और थर्ड पर हो गया आपका डेनमार्क है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3, 2, 1, 4, 5। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दीपेश नंदा है ना, दीपेश नंदा इज द राइट आंसर। हाँ जी, इसमें रॉन्ग पूछा था, इसमें आपसे पूछा था कि कौन सा हाइपोथिकेशन नहीं है, तो गोल्ड ज्वेलरी ये हाइपोथिकेशन नहीं है, ठीक है। विदाउट गिविंग अप ओनरशिप राइट एसेट इज प्लेस्ड एज कोलेट्रल टू सिक्योर अ लोन बाय डेटर, ये सही है, हाइपोथिकेशन का टाइप होता है। इसमें मूवेबल एसेट होते हैं, ठीक है, इसमें मूवेबल एसेट होता है, जैसे कि आपका कार वगैरह हो गया। कार क्या है, मूवेबल एसेट है ना, बट पोजेसिव किसके पास, उसका पोजीशन किसके पास होता है, ओनर के पास होता है, तो वो आपका हाइपोथिकेशन का एग्जाम्पल हो गया है ना। कार भी आपका क्या है, मूवेबल एसेट है, और कार पर हम लोग लोन लेते हैं तो वो क्या है, वो हाइपोथिकेशन है, और ये सरफेसी एक्ट के अंडर है। हाइपोथिकेशन कौन सा नहीं है, गोल्ड ज्वेलरी ये आपका हाइपोथिकेशन नहीं है। एक्चुअली ये क्या होता है, ये मूवेबल एसेट है, बट यहाँ पर जो पोजिशन है वो ओनर के पास ना होकर के किसके पास होता है, बैंक के पास होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी सीईओ कौन बने हैं, अमोल मजूमदार, दीपेश नंदा, टी चंद्रशेखर, बोथ 1 और 2, रघु वर्मा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, सो दीपेश नंदा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु को चेयर्ड द 15th इंडिया सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 1 नवंबर 2023। 1 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित 15वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता किसने की, इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने एंड परमानेंट सेक्रेटरी ऑफ सिंगापुर चान हेंग की। नेक्स्ट वन इज विच एडिशन ऑफ द एनुअल आईएमबीएल मीटिंग बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेवीज एंड कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका वॉज हेल्ड ऑन बोर्ड आईएनएस सुमित्रा ऑन फ्राइडे एट, ये फ्राइडे नहीं याद करना है, एट द इंडो श्रीलंका मैरिटाइम बाउंड्री लाइन ऑफ पॉइंट कैलिमियर एट पार्क बे, इसका आंसर क्या होगा। भारत और श्रीलंका के नौसेनाओं और तटरक्षकों के प्रतिनिधियों के बीच वार्षिक एमबीबीएल बैठक जो हुई थी, ये कौन सा एडिशन था, एडिशन पूछा जा रहा है आपसे। ओके, सो 33rd एडिशन था ये, कौन सा एडिशन था, 33rd। द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ अमितो मुखर्जी चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द विच कंपनी फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर। आपको बताना है कौन सी कंपनी के सीएमडी अमितो मुखर्जी जी के कार्यकाल को एक और साल के लिए बढ़ा दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएमडीसी इसका करेक्ट आंसर होगा। कैपिक्स रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, हाल ही में खबरों में ये जो कैपिक्स देखा गया था ये किस चीज से रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट, आरबीआई रिफॉर्म्स, क्लाउड सीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी, नन ऑफ द अबव,
इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो दिस वन इज रिलेटेड टू क्लाउड सीडिंग, है ना? कैपिक्स ये किससे रिलेटेड है? क्लाउड सीडिंग से रिलेटेड है। इनकोर वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली, वॉट डज द फर्स्ट ए स्टैंड फॉर? इनकोर में ए का मतलब क्या है और इनकोर का पूरा फुल फॉर्म भी आपको बताना है। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में बहुत बार कराया है और इनकोर का फुल फॉर्म भी बताया है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो यहाँ पर ई का मतलब जो पहला ई है इनकोर में, इसका मतलब है इनेबलिंग। आप लोग मुझे इनकोर का पूरा फुल फॉर्म बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इनकोर? ठीक है, तो ये एक तरीके से आपका होमवर्क क्वेश्चन है। मुझे इनकोर का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताइएगा, पूरा फुल फॉर्म क्या है। बाकी पीडीएफ के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज प्रिया मैम टेस्ट बुक। तो यहाँ पर आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, क्लास की लिंक मिल जाएगी, और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। और एक्स्ट्रा दिन एक्स्ट्रा ऑफर चल रहा है, कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करेंगे तो आपको 90% तक का ऑफ मिल जाएगा। कोड आपको एक ही यूज करना है, दैट इज प्रिया जी, है ना? प्रिया जी, ये क्या है? ये मेरा कोड है जिसको यूज करने पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप बैंक सुपर पैक परचेज करेंगे तो आपको 899 रुपीज में मिल जाएगा। इसमें आपको 60+17% ऑफ मिलेगा, फ्री पास प्रो भी मिल जाएगा, ठीक है? और बाकी कोड आपको यूज करना है प्रिया जी। मैंने बोला था, अच्छा ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कल सुबह 7 बजे। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।